चारों तरफ लोग ही लोग नजर आते हैं एंड नो डाउट हम कहेंगे पेटकसा के इस मैदान में एक अलग ही मिसाल कायम होता हुआ। यहाँ पर जितने सारे लोग आते हैं और सफलता की राज इसी से ही आंका जा सकता है कि जिस मैदान में जितने लोग आए वहां का टूर्नामेंट उतना ही सफल। लेकिन ये दोनों टीम बॉल से गोल से काफी दूर हैं और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्हें और मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत है। एड़ी चोटी का प्रयास करना होगा, समय कम है। ये सेकंड हाफ दोनों टीम खेल रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर बारंबार गोलकीपर के लिए छोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक रिस्क लेने की कोशिश करी गई, खिलाड़ी को गार्ड किया गया और बाकी गोलकीपर ने काम पूरा किया है। अब खेल थोड़ा सा धीमा हो चला है, वो स्लगिस होता हुआ और वो इंटेंसिटी भी थोड़ा कम होता हुआ, जो ऑफेंसिवनेस है वो खत्म होता हुआ और इसी के साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा भाई। यहाँ से दोनों टीम खेल ले, ये एक निर्णायक क्षण हो सकता है और मस्ट विन गेम भी है। यहाँ से दोनों टीम गोल के स्कोर के साथ जीतना चाहेंगे, लेकिन दोनों टीम ने अच्छा योगदान अभी तक दिया है मैदान के अंदर। भले ही स्कोर की कमी रहा है लेकिन बहुत ही शानदार दोनों ने खेल दिखाया है। पंजाबी एक्सप्रेस बीरभूम की टीम जो शुरुआती सूर्य में दो दबाव बना रहे थे, वही दबाव मैं देख रहा हूँ अब मोती पहाड़ी की टीम दूसरे हाफ पे बनाते हुए। जी बिल्कुल, गोल स्कोर की बात करें तो उस तरह से यहाँ पर प्रभावशाली शॉट दोनों ओर से नहीं लगा है। आप मान सकते हैं पिछला मैच में इतना जल्दी वापसी की थी। नलहट्टी की टीम बीएसके के खिलाफ बहुत जल्दी वापसी, लेकिन इस मैच में खाता ही नहीं खुला है किसी ने। एक बड़ा अचीवमेंट होगा उसके लिए जो पहला गोल अपने टीम की ओर से मारेंगे। इस बार भी ये हेडर नहीं लगा, क्रोमो का ऑन टारगेट, डायरेक्शन सही नहीं था, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। एक अच्छा हेडर गोल हो सकता था उसके लिए। ये मैच मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में जिस किसी टीम के ओर से भी जो भी गोल मारेंगे वो विनिंग गोल होगा। और प्ले एरिया को कितना छोटा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अटैकिंग की मूड में यहाँ पर दिख रही है मोती पहाड़ी की टीम के ओर से। यहाँ पर डिफेंस लाइन में बहुत ही बेहतरीन वहां पर सेंटर फॉरवर्ड से खेल रहे दो नंबर पर पीटर, बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग किया है इन्होंने। उसके साथ में चार नंबर पर आप देख रहे हैं पंजाबी एक्सप्रेस की ओर से मोहम्मद, बहुत ही अच्छा डिफेंडिंग किया है। कभी भी आस है, दोनों टीम्स के टीम प्रबंधक बहुत ही आस कर रहे होंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि 50-50 का चांस बना हुआ है दोनों टीम्स के लिए। डिफेंसिव मूड में ज्यादा खेलने का प्रयास, बहुत बेहतरीन लेफ्ट हैंड शॉट, लेकिन फॉर लाइन यहां पर सेसर थोड़ा सा पीछे। हेलो, बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद और इंतजार तो गोल का है, खामोश है दोनों टीम। अगर गोल हो जाए